नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेम्बर्स, करवे रोड, पुणे, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों निर्माण हुए हैं बचपन से, लगातार उसमें बढ़ोतरी होती गई है। ये सारे स्कार्स बहुत छोटे और बारीक है, परंतु इन्होंने एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनवाया है और उसमें क्लोजअप शॉट देते समय ये स्कार बहुत बड़े और अच्छे नहीं दिखते हैं, इसलिए इनको ये कम करके चाहिए, हो सके तो पूरे निकाले जा सके। उनको मैंने साफ बताया कि 50 to 70% इम्प्रूवमेंट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये केस में उनको सबसीजन किया गया, जहां स्किन के नीचे इंस्ट्रूमेंट पास करके नीडल जैसा स्कार्स ऊपर उठाए गए, उसके बाद पेट में से फैट निकाली, उसे फिल्टर किया, सेंट्रीफ्यूज किया और फिल्टर्ड फैट जिसमें ऑयल और पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसी जहां जहां स्कार्स है वहां साइड बर्न में से पंक्चर लेके अंदर भरा गया। फैट ग्राफ्टिंग से कई छोटे मोटे स्कार्स ऑब्लिटरेट होते हैं, ऊपर उठ जाते हैं और टेंस हो जाते हैं, उससे वो कम दिखाई देते हैं। और रिपीटेड जहां एक्सीडेंट्स होते हैं तो गालों में की चर्बी भी कम हो जाती है, उससे गालों की स्किन अंदर चली जाती है और उससे बारीक स्कार्स ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखो ये फैट एस्पिरेट की गई, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज में उसको रखा 2 मिनट के लिए, तो ऊपर पानी और सेपरेट हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो वो सारा निकाला गया, छोटे से सिरिंज में सेपरेट किया। इसमें फायदा ऐसा है कि फैट आपके बॉडी में की है तो उसे रिएक्शन आने की सवाल नहीं रहता है, उसे एलर्जी नहीं आ सकती है और जब चाहे अगर रिपीट करना हो तो आसानी से कहीं और से बदन में से फैट निकाली जा सकती है और दोबारा ये इंजेक्ट किया जा सकता है। मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि फैट क्या परमानेंट है क्या? नहीं है। पहले जब हम फैट भरते हैं तो उसमें 30-35% फैट कम हो जाती है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा घटती है। ये अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, लेकिन जब फैट कम हो जाती है तो दोबारा टचअप करना पड़ता है। अक्सर दोबारा टचअप करने के बाद फिर फैट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कंपैरिजन किया गया तो आज जो दुनिया में फिलर्स उपलब्ध है उनके हिसाब से देखा गया तो फिलर्स परमानेंटली हर 6 महीने 8 महीने को इंजेक्ट करवाना पड़ता है और वो बहुत कॉस्टली है इंडियन स्टैंडर्ड से। उससे फैट के रिजल्ट बहुत नेचुरल है, आसान है, इकोनॉमिकल है और कोई रिएक्शन आने की चांसेस नहीं है। इसमें जो पंक्चर किया जाता है वो यूजुअली साइड बर्न में किया जाता है या कान के नीचे किया जाता है, जो बाद में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सेपरेटर है, सबसीजन सेपरेटर है, उसको शार्प आगे ट्रायंगुलर एरो जैसी नाइफ है, तो उससे जो स्कार के जो एडेजेंस है वो कट होते जाते हैं और उसके साथ साथ उसके नीचे फैट भरी जाती है। तो जहां जहां स्कार्स डीप है वहाँ ये इंस्ट्रूमेंट घुमाया जाता है, उसके अटैचमेंट्स रूट्स कट किए जाते हैं और उसके नीचे फैट भरी जाती है। और ये सारा प्रोसीजर अंदर से होता है, बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कोई ड्रेसिंग की भी जरूरत नहीं गिरती है। दोनों बाजू को इन ये केस में 30 cc फैट काफी है और इतनी फैट पेट में से निकालने से वहां कोई निशान नहीं रहता और किसी ध्यान में भी नहीं आता कि यहाँ से फैट निकाली गई है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत प्रचलित है, स्कार्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिंकल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रेस्ट की साइज बढ़ाने को या बटक्स की साइज बढ़ाने को करते हैं, तो इसका मल्टीपर्पज उपयुक्तता है। तो अवश्य मुझे फोन कीजिए 9373504565 दोपहर में 12 बजे से शाम में 7 बजे तक, इतवार छोड़ के।
आप मेरे संकेत स्थल www.cosmeticsurgerypune.com को विजिट कीजिए। वहाँ बिफोर आफ्टर कई प्रकार के फोटोज़ है, वीडियोज़ है और ज़्यादा जानकारी भी है, रिव्यूज़ है। यूट्यूब पे विजिट कीजिए, 550 वीडियोस वहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जरी के विविध विषयों पे आप देखें उन्हें और अभिप्राय छोड़ें। धन्यवाद।